कुछ नहीं करना, मैं बता दूंगा आपको, आप सब करेंगे उसके बाद। माचिस देना, रखना है। वैसे तो ये नीचे गिरती नहीं है, सेफ्टी पर हमें कपड़ा चाहिए हमारे को, ठीक है। एक आप मुंह को भी ढक दो, टिश्यू दो या हैंकी ले लो, हम हैंकी ले लेते हैं। अब ये कैंडल जला लीजिए, ठीक है जी। कैंडल जला के हमने इसमें ये मार्क होता है यहाँ पे एक, यहाँ तक कि जल्दी, उसके बाद हमने बंद कर देनी है। इनके कान के अंदर जहाँ पे छेद है उसमें हमने डाल दी, ज्यादा अंतर नहीं डालनी, बस आराम से रखनी है, ज्यादा अंतर प्रेशर नहीं देना हमने। उसके बाद हमने इनकी मसाज करनी है, मसाज करनी है, खोलना जाना अपना पकड़ना इसको। हमने ऊपर से नीचे ऐसे मसाज करनी है इनको, एक तो यहाँ भी करनी है, ये हमारा मलमा पॉइंट है कान के नीचे, ठीक है जी। एक हमने यहाँ मसाज करनी है, कोई इधर घूम जाएंगे बैठ, यहाँ पे मसाज करनी है और कान के नीचे मसाज करनी है, ठीक है जी। जिनके कानों में ऊंचा सुनता है, घंटी की आवाजें आती हैं, हर समय लगता है कि बीवी डांट ही रही है, कुछ नहीं देता, उनके लिए सबसे बढ़िया है जिसे सुनना ना हो। हाँ, ना सुनता हो, सुनाई देना शुरू हो जाएगा। मरमा पॉइंट है, हाँ ये मरमा पॉइंट है। ये सात साल मसाज करते रहना आपने, जब तक तो चलेगी। इसको लगते तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं, पंखा चल रहा हो तो 3 मिनट लगते हैं, अगर पंखा नहीं चल रहा हो, दूर पंखा चल रहा हो, नहीं चल रहा तो इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं पूरी जलने में। आप तब तक इसकी मसाज करते रहना साथ साथ, दोनों हाथों से, इधर से भी ऐसे। कान का हिस्सा है उसके अंदर भी मसाज करनी है आपने, यहाँ पे भी, जो कान का ये चिपका हो ना कान, उसके बाहर का हिस्सा उसने मसाज करनी है। Yeah.